छतरपुर जिले के बक्सवाहा विकास खंड के अंतर्गत कई ग्राम आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जहां पहुंच मार्ग तक नहीं है। वहीं ग्रामीण अपने गांव के विकास के सपने देख रहे हैं। ऐसा ही एक गांव सनोदा है, जहां पानी, शिक्षा, रोड जैसी सुविधाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इन्हीं समस्याओं को लेकर गांव के लोगों ने तहसील पहुंचकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि विकास खंड अंतर्गत आने वाली सनोदा पंचायत तक जाने वाली रोड डगरई तिराहा से गेवलारी सनोदा लहरपुरा तक का कच्चा रास्ता है। इस 7 किलोमीटर के रास्ते में 2 पुलिया हैं, जो बरसात में पानी आ जाने के कारण मुख्यालय तक जाने के लिए बंद हो जाती हैं। बुधवार के दिन 4 गांवों के दर्जनों लोग एकत्रित होकर तहसील पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने बताया कि हमें अपने ग्राम तक जाने के लिए सिर्फ एक आम रास्ता है। इसी रास्ते से 4 गांव के रहवासी अपने घर जाते हैं। इस 7 किलोमीटर के कच्चे मार्ग में बहुत बड़े बड़े गड्ढे और बरसात के मौसम में ये रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। इस कारण से बच्चे न तो स्कूल जा पाते हैं और न ही ग्रामीण कामकाज के लिए मुख्यालय पहुंच पाते हैं। किसी परिस्थिति में अगर मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाना पड़ जाए तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को हादसे का शिकार भी होना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के बाद से ही इस रास्ते को आज तक नहीं बनाया गया। हमारे बच्चों, महिलाओं को आने जाने में काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ रही हैं। रास्ता न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा नाम लक्ष्मी भाई बसूर है, ग्राम पंचायत सानोदा से सरपंच है। क्या समस्या है आप लोगों की? आप लोग यहाँ हमारी समस्या है कि गांव में रोड आने जाने में बहुत दिक्कत है, रोड नहीं है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे गांव में रोड डलवाएं। कितने किलोमीटर का रोड है ये खराब? 8 किलोमीटर का, 8-9-10 किलोमीटर के लगभग है। अगर इसके बाद भी अगर रोड नहीं बनाई जाती है तो क्या करेंगे? तो भाई मतदान नहीं करेंगे, हमारे ग्रामीण के लोग परेशान है आने जाने में, तो फिर रोड वोट के लिए भी तो मना कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सानोधा और उसमें सम्मिलित गांव के व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनके यहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, कच्ची रोड है और रोड बनाए जाने की मांग की गई है और इस बाबत उनके द्वारा ज्ञापन देकर ये भी कहा गया है कि यदि हमारी सड़क नहीं बनती है तो हम मतदान नहीं करेंगे। इस संबंध में जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाए। सहा जनपद के सानोदा गांव के लोग बक्सवाहा पहुंचे, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया और जिसके बाद यहां उन्होंने तहसीलदार के लिए ज्ञापन दिया। उनकी मांगे हैं कि हमारे यहां 9 किलोमीटर का जो रोड है, सड़क वो नहीं बनाई गई है, जिस कारण आए दिन बच्चे हादसों का शिकार होते हैं और आवागमन में खासी परेशानियां हो रही हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए रोड जल्द से जल्द नहीं मिला तो हम मतदान नहीं करेंगे। और तहसीलदार से उन्होंने गुहार लगाते हुए ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर हमें रोड नहीं मिला है तो हम वोट नहीं करेंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में शासन और प्रशासन, सरकारें क्या करती हैं, प्रशासन क्या करता है, इन लोगों के लिए रोड मिलता है या फिर मतदान का बहिष्कार होगा।